नमस्ते दोस्तों, बिंदु फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज़ बाइट्स का ऐसा नाश्ता जिसमें चीज़ है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। सबसे खास बात ये है, संभल करके फ्रिज में रख लें, जब परोसते हैं तब फटाफट तलें और गर्मा गर्म परोस दें। तो शुरू करते हैं बनाना। चीज़ बाइट्स बनाने के लिए चाहिए ब्रेड। हम इसके किनारे निकाल देते हैं। हमने बड़े साइज के 4 ब्रेड ले लिए हैं। वन टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस, मोजरेला चीज़, मक्खन, लहसुन, काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, इन सभी चीज़ों से हमने ये गार्लिक फ्लेवर तैयार किया है। अब हम एक हिस्से पर गार्लिक फ्लेवर लगाएंगे और दूसरे हिस्से पर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये पतली लेयर इसके ऊपर फैला दी। फ्रोजन चीज़ ले लिया है, सेंटर में थोड़ा थोड़ा रख देंगे। अगर ज़्यादा रखेंगे तो तलते वक्त बाहर आ सकता है। अब हम घोल तैयार करेंगे। हाफ बाउल मैदा, हाफ बाउल कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी डाल के स्मूथ घोल बनाएंगे। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च को हम क्रस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और ये अभी घोल हमारा गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा पानी और डाल लेंगे। कंसिस्टेंसी पतली ही रखनी है। ब्रेड को हम डिप करके ब्रेड क्रम लगा देंगे, अच्छे से लगा देंगे। हमने एक ब्रेड और किनारे कटिंग किए थे उसी का ब्रेड क्रम हमने बना लिया है मिक्सी में ग्राइंड करके। अब इसको हम अच्छे से हाथ से दबाएंगे ताकि ब्रेड क्रम गिरे नहीं, किनारों पे भी अच्छे से दबाएंगे। इसी तरह हम बाकी के भी ब्रेड तैयार कर लेते हैं। अगर हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो हम टमाटो सॉस में थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स मिलाएंगे और क्रस्ट काली मिर्च, ओरिगैनो मिला लीजिए। अगर ओरिगैनो आपके पास नहीं है तो मिक्स हर्ब्स मिला लीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हमने सारे ब्रेडों को तैयार कर लिया है। अब हम इनको ऐसे ही डिप करते जाएंगे। पीस उठाएंगे, थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे और इसको हम घोल में डिप कर देंगे। इसी तरह हम सारे ब्रेड क्रम तैयार कर लेते हैं। सारे चीज़ बाइट्स असेंबल कर दिए हैं। अगर आप इन्हें अभी तलना नहीं चाहते तो इन्हें आप फ्रिज में रख दीजिए। 5 घंटे 7 घंटे बाद जब भी आपको सर्व करने हैं तब आप इन्हें फ्रिज से निकालिए और गर्मा गर्म तल कर सर्व कर दीजिए। पैन में ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इन्हें तलने में मीडियम हाई फ्लेम चाहिए। निचली साइड को ब्राउन होने तक तलते हैं। निचली साइड को हम ब्राउन होने देते हैं। इन्हें ब्राउन होने पर हम इसे पलट देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब्ड नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए
जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमने देखो कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं, अब हमने इनको पलट दिया है। ये हमारे तलकर तैयार हो गए हैं, इनको हम अब एक स्ट्रेनर में निकाल देते हैं ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह हम बाकी के भी इसी तरीके से तल लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी तल जाते हैं। इसी तरह बचे हुए पिस्सों को हम इसी तरह ही तल लेते हैं। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। आपको जो भी चटनी अच्छी लगे उसके साथ आप खाइए, खिलाइए और स्माइल पाइए। अपना अनुभव अंजू मित्तल के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।